Is it Tiger? Can you guys see him? Hello guys, welcome to my third vlog. आज मैं हूँ मुंबई ऑटो में और इस समय बज रहे हैं सुबह के 6:50. मैं जा रही हूँ अपने होम टाउन और मुझे फटाफट से फ्लाइट कैच करनी है क्योंकि फ़्लाइट तो ऑन टाइम है बट मैं थोड़ा लेट हो चुकी हूँ. और आज मैं इस समय हूँ मुंबई के ऑटो में जहाँ आप देख सकते हैं मॉर्निंग एकदम ही बहुत अच्छा लग रहा है. इतनी मॉर्निंग में बाहर निकल कर बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा है. हालांकि इतना सुबह उठना थोड़ा सा आलसीपन हो जाता है, मतलब थोड़ा उठ नहीं मिल रहा था मुझे सुबह, इसलिए मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, आदत नहीं रही है एक्चुअली. सो अब जल्दी से मैं मिलती हूँ आपको एयरपोर्ट पर, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है. गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ एयरपोर्ट. मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक. कोविड के बाद ही इतना ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है. अब मैं लिफ्ट कर रही हूँ ओपन होने के लिए. बोर्डिंग गेट तक बस बहुत जी रही हूँ, मुझे सभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है एंड मैं भाग भाग कर बोर्डिंग गेट तक पहुँच गई हूँ. मैंने सोचा था कि मुझे ठंड लगेगी बिकॉज सुबह काफ़ी कोल्ड फील हो रहा था, मगर भागने की वजह से इतनी गर्मी लग चुकी है कि समय बहुत गर्मी लग रही है. मैं अपना सीट नंबर ढूंढ रही हूँ. माय सीट, आई गॉट माय सीट एंड दैट्स द विंडो सीट. वेरी 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 एक्साइटेड फॉर दैट. एक्चुअली विंडो सीट से जो नज़ारा होता है ना देखने में वो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. अब मेरे को अपना फेस शील्ड मास्क पहनना होगा तो वो भी मैं जल्दी से पहन देती हूँ बिकॉज ये हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है. कहीं भी बाहर निकलने से पहले सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना बहुत नेसेसरी है. तो आप सभी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेकर ही निकलिए जहाँ भी निकलें. फ़्लाइट में तो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, फ़्लाइट की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मगर जहाँ पर भी नहीं मिले आपको वहाँ पर आप खुद कैरी करिए फेस शील्ड, मास्क, सैनिटाइजर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लाइक ट्रैवल इन दिस कोविड सिचुएशन. Thank you.
लंच टाइम है अभी, मतलब एटलीस्ट 1.5 hour है फ्लाइट लैंड करने के लिए. सो आई विल टेक अ नैप एंड फिर जैसे ही लैंड होती है फ्लाइट एनी में वैसे ही मैं आपसे दिल्ली लैंड कर चुकी हूँ. फ्लाइट से बाहर आ गई हूँ. अब मैं जा रही हूँ बेल्ट नंबर 1 पे अपना लगेज कलेक्ट करने और देखते हैं कितनी देर में वो लगेज मिलता है. उसके बाद आई नीड टू कैच अ ट्रेन. सो मैं फटाफट से स्टेशन की तरफ जाऊँगी. आई नीड टू रन फास्ट बिकॉज मेरी ट्रेन को भी ज़्यादा टाइम नहीं है. टायरिंग डे का दी एंड, क्योंकि मैं पहुंच गई हूं अपने घर और अब मैं खाने वाली हूं अपनी मम्मी और दादी के हाथ का यम्मी यम्मी खाना इतने टाइम बाद. और मेरे को स्पेशली ये डे इतना टायरिंग, ये जर्नी इतनी टायरिंग इसलिए हो जाती है जस्ट बिकॉज मुंबई टू दिल्ली ट्रैवल करना इज़ ईजी जस्ट बिकॉज 1 or 2 hour की फ्लाइट होती है. बट द मेन थिंग इज़ कि दिल्ली के बाद आप यूपी रीजन में कहीं पर भी ट्रैवल करते हो एक्सेप्ट लखनऊ, बिकॉज लखनऊ में डायरेक्ट फ्लाइट्स होती हैं. उसके अलावा आप कहीं भी ट्रैवल करते हो तो थोड़ा हैक्टिक हो जाता है बिकॉज आपको ट्रेन से और बाय रोड ट्रैवल करना पड़ता है. तो इसी वजह से मेरा भी ये जर्नी थोड़ी टायरिंग रही है, मगर आई होप कि फट से कल तक मेरी ये थकान फुर हो जाएगी बिकॉज इस बार मैं अब ये दिवाली अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने वाली हूँ. आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड एज वेल. और कौन कौन घर वाली दिवाली मिस करता है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? अगर अच्छा प्लीज लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी. मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट व्लॉग में.